नमस्कार, मैं हूं गुजु पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है उत्तराखंड से कुछ बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की वजह से मची तबाही में लखीमपुर खीरी जिले के दो सगे भाइयों समेत कुल 26 मजदूरों के लापता होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि लापता होने वालों में निघासन तहसील के इच्छा नगर के 15, भैरमपुर के 5, इसी तहसील के बाबूपुरवा के 5 और भोलनपुर का 1 मजदूर शामिल है। उत्तराखंड के चमोली में ऋषिगंगा में बाढ़ से मची तबाही के बाद जिंदगी बचाने की जंग जारी है। आपको बता दें कि तपोवन में मौजूद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फिलहाल 40 से 50 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। वहीं इन मजदूरों को बचाने के लिए भारतीय सेना के साथ ITBP, NDRF, SDRF और उत्तराखंड पुलिस युद्ध स्तर पर डटी हुई है। उत्तराखंड के जोशीमठ में नंदा देवी ग्लेशियर के फटने की वजह से मची तबाही में एक जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे करीब 170 श्रमिक लापता हो गए हैं। ग्लेशियर फटने से मची तबाही से कई पावर प्रोजेक्ट पर भी असर पड़ा है। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों के प्रति दुनिया भर के नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका समेत कई देशों के नेता शामिल हैं। वहीं भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेशी सहयोग पर आभार जताते हुए कहा कि चमोली में ग्लेशियर के टूटने से हुए जानलेवा नुकसान पर दुनिया भर में हमारे सहयोगियों द्वारा व्यक्त की गई एकजुटता की हम गहराई से सराहना करते हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से आई आपदा को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कल यानी रविवार को भारत के साथ एकजुटता से खड़े रहने की बात कही है। जॉनसन ने कहा है कि उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद ब्रिटेन भारत की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है।